पैनल तैयार है, पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए इस समय क्या आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी ट्रेड रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड आईटीसी में। आईटीसी 520 के अराउंड है। यहाँ पे मुझे लगता है फ्रेश अभी ब्रेकआउट आ गया है, काफी दिनों के बाद एक रेंज ब्रेकआउट है ये। तो मुझे लगता है यहाँ से 540 इसका नेक्स्ट टारगेट ऑन इमीडिएट बेसिस है। इसके ऊपर जाता है तो 555 का भी एक आपको लेवल आते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे 505 के स्टॉप लॉस से आप आईटीसी में लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 540 एंड 555। 540, 555 की तैयारी कल ही हम बात कर रहे थे, क्लोजिंग में ही इन्हीं लेवल्स पर था आईटीसी और एक बाय इनिशिएट अब शिल्पा भी कर रही हैं। गाबा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून रियो। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है ग्रासेन। इसका संकेत कल ही दे रहा था स्ट्रेंथ, बाउंस बैक मिल रहा था। ट्रेड कर रहा है 2715 पर। लगता है स्टॉप होना चाहिए 2715 रुपए का। टारगेट 2750 टू 2760, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए ग्रासेन। ओके, ग्रासिम प्रकाश सर का ये ट्रेड है और प्रकाश सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा। अगर आप देखें आपका ट्रेड रहा सुबह का मारुति खुलते ही साथ CNBC आवाज़ का पहला ट्रेड जो कि आज की टॉप कॉल्स में शामिल था पोस्ट ओपनिंग, वो था मारुति और मारुति अब ऑल टाइम हाई पे। ये ट्रेड टिक बाई टिक चार्ट देख लीजिएगा, एग्जैक्टली 9:19 मिनट पर पिक किया गया था। इट्स नाउ 13328 ऑल टाइम हाई। अब आते हैं अगले ट्रेड्स पे, अब चलते हैं मानस के पास। मानस गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए एनएमडीसी पे खरीदारी करनी है। ये ट्रेड मैंने कल भी रिकमेंड किया था एनएमडीसी में, कल भी बाय रिकमेंडेशन था और आज भी मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे आप एनएमडीसी में ले सकते बाय कॉल बाय ट्रेड ले सकते हैं। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो एनएमडीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 227 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 244 के टारगेट सेट करने हैं, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 235 का अक्टूबर मंथ का 235 का अक्टूबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹9.25 पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। 6.5 रुपए के स्टॉप लॉस लगाना है, ₹6.50 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और ₹15 के टारगेट सेट करिए। ओके, आशीष चतुर्मता के पास चला जाए। आशीष गुड आफ्टरनून, आशीष आपकी पिक? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून हर्षदा और वीरू। तो देखिए हम मुझे जो पूरा स्पेस पसंद आ रहा है वो प्राइवेट बैंकिंग और NBFC स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इस स्पेस में चाहे बैंक्स की बात करें, प्राइवेट बैंक्स वहाँ पर पे मुझे लगता है कि एक लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी रैली कैचअप होते हुए देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन के टर्म्स में भी जो कम्फर्ट है मैं बहुत ही अच्छी है। चाहे आज HDFC बैंक देखें जो 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे है, या हम प्राइवेट NBFCs की बात करें, बजाज ट्विंस की बात करें, वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। और अब मुझे लगता है जिस तरह से FIIs का पैसा इंडियन मार्केट की तरफ रुझान हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में बढ़ रहा है, तो क्लियरली मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक्स है और ये जो कंपनीज है पूरा स्पेस है इसमें काफी इंटरेस्ट आएगा। तो एक पूरा प्राइवेट बैंकिंग और प्राइवेट NBFC ये स्पेस पसंद है। इसमें से अगर से आज एक स्टॉक चुनना होगा तो मैं जाना चाहूंगा बजाज फाइनेंस के साथ, जहां मुझे लगता है कि बहुत ही लंबे समय के बाद बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक अपने 4 साल के कंसोलिडेशन को अब कहीं ना कहीं डिसाइसिवली ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। 7500 पे मेरे हिसाब से स्टॉक का बहुत बढ़िया बेस है और ये स्टॉक अगर से इसको होल्ड करता है तो मेरा मानना है 8500 के नए ऑल टाइम हाई आने वाले कुछ समय में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। और जिस तरह से हमने इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का AUM इस समय पे है जो कि 35% ग्रो हुआ है इन द 9 मंथ्स। NNPA नेट NPA के जो नंबर्स है वो बिलो 5% है, GNPA बिलो 1% है। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एक बैलेंस शीट और नंबर्स के साथ पर एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, तो ये हमारी टॉपिक रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक जो हमने बात की ये सभी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पोर्टफोलियो इपेक्स में बने हुए हैं। 8500 का टारगेट यहाँ पर आशीष दे रहे हैं। रुचित आप क्या पिक करेंगे इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून अर्चना जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। JSW स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी कि जहाँ पे मेटल्स में एक तेजी की कंटिन्यूशन का ट्रेंड देख रहे हैं और JSW स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो रिसेंट जो करेक्टिव फेज भी था मेटल्स में उसमें सबसे ज्यादा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाया था और ये ऐसा स्टॉक था जहाँ पे करेक्शन नहीं हुआ था सेक्टर के साथ। आई थिंक जब करेक्टिव फेजेस के टाइम पे जो स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाता है वो जब पूरा सेक्टर आपको ऊपर जाता है तो वहाँ पे एक अच्छी तेजी का पार्टिसिपेशन रहता है। तो करंट लेवल्स पे 980 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1040 के अराउंड के टारगेट्स के।
जे एस डब्ल्यू स्टील, और स्क्रीन पे इस वक्त मेटल काउंटर्स पे मूव आता हुआ। एक बार डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी मेटल इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे। निफ्टी मेटल इंडेक्स का जो ऑल टाइम हाई क्लोज है वो अप्रॉक्सीमेटली है 9999 की ट्रेजेक्ट्री में, जो क्रिएट किया था इसने, दिनांक थी 21 मई 2024, ऑलमोस्ट उस प्राइस के ऊपर जाता हुआ। हालांकि इंट्राडे हाई था करीब 10196, बट स्ट्रॉन्ग मूव निफ्टी मेटल इंडेक्स में। सुदीप, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू। वीरू, मेरा भी ट्रेड मेटल इंडेक्स से ही है, पर स्टॉक है नैल्को। नैल्को में हमने देखा है कि स्टॉक में जो हिसाब से पिछले 2-3 दिन में एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। स्टॉक ने जो अपने 20 डेमा को और वहां से सपोर्ट लेके 180 से एक अच्छा अपमूव आया, और यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया। और यदि हम देखें तो ये 10 जुलाई के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल अब स्टॉक में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा है लॉन्ग साइड पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम इज देयर। और जो चार्ट पैटर्न्स हो रही है डेली, वीकली और मंथली पे, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से लिया जाना चाहिए। 194 का स्टॉप लॉस और 210 से लेकर 215 के टारगेट्स मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 सेशंस में आ सकते हैं। और यदि कोई इसे एक मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से भी होल्ड करना चाहे तो भी मुझे लग रहा है यहाँ पे टारगेट्स काफी ऊपर है, तो ट्रेल करके चल सकते हैं यहाँ पे।